आई एम वेरी श्योर अगर आपके पार्टनर को खराटे आते हैं तो आप उनसे बहुत ज्यादा परेशान हैं, और जिसको खराटे आते हैं वो खुद भी बेचारा बहुत परेशान है क्योंकि उसको कंट्रोल में नहीं होता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि खराटे आते क्यों हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है, क्या उसका कुछ घरेलू उपाय भी है, और इससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं जिससे आपको और आपके पार्टनर को सुकून की नींद आ सके। एक्चुअल में खराटे जब आते हैं कि अगर आपका एयरवे पैसेज किसी वजह से नैरो हो जाता है, या तो अगर बहुत ज्यादा मोटे हैं, आप ओबेज हैं, तो ओबेसिटी और मोटापा इसका मुख्य कारण होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग हैं उनको खराटे ज्यादा आते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप मोटे हो जाते हैं या किसी वजह से आपके गले के अंदर नैरोइंग हो जाती है, और जिस समय आप सोते हैं, सोते समय आपके गले के जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, और जब आप सांस लेते हैं तो उस समय एयर पैसेज छोटा होता है, तो जिसकी वजह से एक वहां पे वाइब्रेशन डेवलप होने लगता है और आपको कुछ एक इरिटेटिंग आवाज, खराटे की आवाज सुनाई देने लगती है, जो बहुत ज्यादा परेशान कुन होती है। लेकिन खराटे की बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छोटी बात नहीं है। खराटे का मतलब होता है कि आपको सांस पूरी तरह से नहीं आ रही है, और इसमें एक और दूसरी कंडीशन होती है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सांस बीच में रुक जाता है, फिर आपका प्रेशर से आपका सांस निकलता है, और अगर ये ना निकले तो मरीज की जान भी जा सकती है। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको इसके ट्रीटमेंट और इसके उपायों के बारे में जरूर जानकारी लेना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, आगे हम बात करेंगे कि कैसे आप खराटों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहले कुछ होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खों के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है और इसका परमानेंट इलाज क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है खराटे रोकने के लिए, देखिए अगर आप मोटे हैं तो अपने मोटापे को आप कम अगर कर लेंगे तो खराटे आपके ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर वजन ज्यादा होगा तो आपके गले के अंदर भी नैरोइंग आ जाएगी। जो दूसरा सबसे आसान घरेलू उपाय है वह है आपका सोने का तरीका। आप कभी भी सीधे पीठ के बल ना सोए। उसका कारण यह होता है कि जब पीठ के बल सोते हैं तो आपकी जो टंग है वो पीछे की तरफ चली जाती है, जिससे जो रास्ता है या जो एयर पैसेज है वो और ज्यादा नैरो हो जाता है और आपको खराटे तेजी से आने लगते हैं। तो इसलिए आप हमेशा आप सेफ साइड पे सोएं, यानी कि आप तो लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके ही सोएं, करवट से सोएं। अगर आप करवट से सोएंगे तो जो एयर पैसेज है वो खुल जाएगा और आपके खराटे कम हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत बार अपने पार्टनर को आप ऐसे करते हो कि करवट ले लो, और जैसे वो करवट लेता है उसके खराटे कम होने लगते हैं। साथ ही साथ आप अपने बिस्तर का जो है सराहना या जो सर का हिस्सा है, अपने सर को हेड अप करके रखें, थोड़ा ऊंचा करके रखें, तब भी आपका थोड़ा एयर पैसेज खुलता है और आपको खराटे आने की संभावना कम हो जाती है। ये भी आप एक उपाय करके देख सकते हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो होती है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहलिक हैं और अगर आप सोने से पहले अल्कोहल लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको खराटे आएंगे। इसलिए ये सलाह दी जाती है आप सोने से 2 घंटे पहले तक बिल्कुल भी अल्कोहल ना लें। अगर आपका अल्कोहल लेना है तो आप कम से कम 2 घंटे पहले ही अल्कोहल लें और उसके बाद अल्कोहल ना लें, उसके बाद आप 2 घंटे बाद ही बिस्तर पे जाएं। होता क्यों है? क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो ये बहुत तेजी से आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और उसके साथ साथ आपके गले की मसल्स भी रिलैक्स होने लगते हैं। आप बात कर लेते हैं बाकी कुछ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है स्लीप स्टडी, यानी कि आप जब सो रहे होते हैं, सोते समय आपकी पूरी रात आपकी बॉडी की एक्टिविटी, आपके नींद का पैटर्न क्या होता है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी क्या होती है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, इस तरह की सारी चीजों को एक मशीन से चेक किया जाता है जिसको स्लीप स्टडी कहते हैं। स्लीप स्टडी के बाद ये पता लग जाता है कि आपको कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल तो कम नहीं हो जाता है आपके शरीर में। तो उस कंडीशन में आपको दिया जाता है या सजेस्ट किया जाता है एक प्रेशराइज्ड मास्क, या जैसे सीपैप की एक मशीन होती है, तो या तो आपको मशीन दे दी जाती है, इससे आपका जो खराटे लेने की दिक्कत है वो कम हो जाती है। क्योंकि फिर आपको प्रेशर से ऑक्सीजन या आपका सांस अंदर जाता है, फिर उसको अकॉर्डिंगली वो मशीन आपको सांस लेने में मदद करती है। उसके अलावा कुछ नेजल स्ट्रिप्स या एक्सटर्नल नेजल डायलेटर्स भी आते हैं, ये भी अगर आप इसको लगा लेते हैं आपको बड़ी आसानी से किसी फार्मेसी पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, इससे भी आपको खराटे आने रुक जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, अगर आप स्मोकर हैं तब भी आपको खराटे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये आपके सांस की नली को, एयर पैसेज को नैरो करता है और म्यूकस को थिक करता है, और गले में जो फिर वो नैरोइंग होगी उसकी वजह से भी ये खराटे आते हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं आपको स्मोकिंग भी छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको खराटे आते हैं आप देखेंगे उससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वाकई ये अगर आपको काम की लगी हो जानकारी, तो इसको शेयर जरूर कर लें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें,
और बेल आइकन का बटन भी दबा ले, सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।